मेरे साथ आरती सिंह आजाद, स्वागत करती हूँ आपका केकेआर न्यूज में। नरेला विधानसभा क्षेत्र का वार्ड क्रमांक 78 करौंद मुरली नगर कॉलोनी के लोग गंदी नालियों से हैं परेशान। इन दिनों यूं तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं नगर निगम द्वारा सफाई अभियान के तहत, मगर हम बात करें राजधानी भोपाल की तो करौंद मुरली नगर गली नंबर 4 और 3 की, जहां ना तो सफाई देखने को मिलती है, देखना तो दूर या यूं कहें सुनने तक को नहीं मिलती। यहां अव्यवस्थित रूप से नालियां बनी हुई हैं जो कि रहवासियों द्वारा खुद बनाई गई हैं मजबूरन, क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। ना कभी वार्ड 78 के पार्षद ने पलटकर गलियों की और अपना रुख किया, और ना ही नगर निगम कर्मचारी यहां कर नालियों की सफाई करते हैं, और ना ही नालियों को व्यवस्थित रूप से बनाया जाता है। जहां एक तरफ तो दावे करते हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत भोपाल को नंबर 1 बनाने के लिए, वहीं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आती है इस मुहिम में नगर प्रशासन की। देखना यह होगा कि नगर निगम प्रशासन कब अपनी नजरें इनायत मुरली नगर वार्ड क्रमांक 78 की गली नंबर 3 में करता है। पूर्व पार्षद तो यहाँ वोट लेने आ गए थे, मगर वोट लेने के बाद कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर गए। लोग कई बार विधायक का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं, पार्षद का भी, नगर निगम कार्यालय गए, मगर इन लोगों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। भोपाल से यह खबर हमारे संवाददाता आदिल खान के साथ। नाम है मेरा अरविंद जी। आपके घर के बाहर गंदगी मची हुई, नालियों का पानी वक्त हो रहे हैं तो बह रहे हैं जी, बहुत परेशान है हम। बारिश में इतनी प्रॉब्लम होती है, और अभी देखिए आप नल आ रहे हैं तो पूरा पानी यहाँ तक भर जाएगा। इसकी कंप्लेन CM हेल्पलाइन में पूरे नगर निगम के अधिकारियों को कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वो लोग सिर्फ वहीं से बोलते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन पूरे 6-7 महीने हो चले वो देखने नहीं आते हैं, विजिट करने नहीं आते हैं वो, यहाँ पे नहीं आते, नहीं नहीं आते हैं वो। यहाँ की अगर हम बात करें पार्षद की, कैसा कार्यकाल रहा उनका 5 साल? नहीं, कोई कुछ भी नहीं रहा। पार्षद ने कभी आकर देखा भी नहीं। जब उन्हें वोट चाहिए होते हैं तब वो आते हैं, और उसके बाद जब जीत गए उसके बाद बोला आपके यहाँ से वोट नहीं मिले, जबकि उन्हीं को सब ने दिए वोट। वो बिल्कुल मुकर जाते हैं। एक बार उन्होंने बोला था आपके यहाँ लाइटें लगवाएंगे हम, चुनाव जीत जाएंगे, तो वो आज तक खंभों पर लाइटें भी नहीं लगी हैं। स्ट्रीट लाइट भी बंद पड़ी हुई है, लगी ही नहीं है। बंद कहाँ से पड़ेंगी, लगी ही नहीं है लाइट, कोई मतलब यहाँ कोई समाधान नहीं है कोई भी। मेरा नाम हफीज खान, किसान कांग्रेस प्रदेश महामंत्री, वार्ड 78 नरेला करौंद भोपाल। गंदगी पड़ी हुई है यहाँ पे, नालियाँ। यहाँ पे साहब हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जैसे विश्वास सारंग जी, यहाँ पे 3 मरतबा के विधायक हैं, 2 मरतबा के मंत्री हैं, उनका एरिया लगता है ये विश्वास सारंग जी का। यहाँ पे आप लोग शिकायत नहीं करते? शिकायत कर करके थक गए। उनका ये कहना है यहाँ से आपके क्षेत्रों से हमें वोट नहीं मिलता, हम आपका काम नहीं करेंगे। यहाँ पे नालियाँ बन जाए तो पूरे क्षेत्र की समस्या ठीक हो जाए। नालियाँ नहीं होने के कारण आपसी में हमेशा आपसी में झगड़े होते रहते हैं, और ये गंदा पानी रोडों पर बह रहा है। और इस तरह से नगर निगम का ढील पोला रवैया है, जो नगर निगम की तरफ से भी कुछ लेत लाली हो जाती है, कुछ हम जनता भी गलती कर रहे हैं जो हर कहीं कचरा कूड़ा डाल देते हैं। वहीं अगर हम बात करें वार्ड 78 के पूर्व में रहे पार्षद के, उनका 5 साल का कार्यकाल। काशी साहू पार्षद रहे यहाँ पे, सिर्फ अपने चुनाव के दौरान आई हूँ इस क्षेत्र में 78 में। चुनाव जीतने के बाद कभी इस क्षेत्र में नहीं आई हूँ 78 के, या 78 में 24-25 मोहल्ले हैं। हर मोहल्ले की कंडीशन यही है। ये सूद साहब जब महापौर हुआ करते थे उस टाइम के रोड डले हुए हैं, उसके बाद से आज तक BJP के महापौर, विधायक, मंत्री, पार्षद, किसी ने कोई विकास नहीं कराया है। ये सच्चाई है, और बाकी यहाँ की जनता से आप पूछ सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक की राजनीति यहाँ पे BJP की है, BJP काल के अंदर इस तरह की? हाँ, BJP के शासन काल में यहाँ पे पार्षद भी, विधायक भी, महापौर भी, जी सभी BJP के रहे जी। वही बात करें, मैंने तो महापौर को यहाँ नरेला में वार्ड 78 में आने के लिए 51,000 रुपये का इनाम रखा था कि आप नरेला में आइए, क्योंकि नरेला में वो नहीं आते हैं। विश्वास सारंग जी जो मंत्री है ना, उनके दबाव की वजह से इस क्षेत्र में नहीं घुसते हैं। जब महापौर है ना, अपने महापौर रहे हैं, वो 51,000 रुपये मैंने पिछले साल उनके लिए इनाम रखा था। क्या आप नरेला वार्ड 78 के आके स्थिति देखिए, यहाँ के बहुत बुरे हाल हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आप जो गलियों में घूमोगे देखोगे तो रोने लगोगे। यहाँ पे बुढ़ा बुढ़ी बच्चे, स्कूल, मस्जिद, कॉलेज, बड़ी इससे बहुत बुरी गंदगी दिखाइए आप। ये क्या पानी रोडों पर बह रहा है, किस तरह से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज KKR की टीम आ चुकी है नरेला विधानसभा के वार्ड क्रमांक 78 में, जो कि मुरली नगर करौंद कहलाता है। ये हम इस वक्त खड़े हैं गली नंबर 4 के अंदर, जहां आप देख सकते हैं नालियां तो बनी हैं मगर व्यवस्थित ढंग से नहीं है। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा, नाली को जो पानी यहां से निकास हो रहा है, ये निकल के पानी सीधा पीछे ग्राउंड के अंदर जा रहा है, जो कि किसी का पर्सनल निजी एक प्रॉपर्टी है, उसमें ये पानी जाके सारा इकट्ठा हो जाता है। वहीं जाके इसमें काफ़ी गंदगी मची हुई है। मैं आपको सारी यहाँ की नालियाँ दिखाना चाहूँगा। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी तादाद में महिलाएँ भी इकट्ठा हैं, लोग काफ़ी समस्या
समस्या है इन नालियों से। ये गंदा पानी इस रोड के ऊपर बह रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये नालियों में इस तरह ये पानी यहाँ पे आ रहा है। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद भी हैं, हम उनसे एक बार जानना चाहेंगे किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। इस तरह की गंदी नालियाँ जो कि साफ सफाई का कोई रुझान नहीं है यहाँ पे नगर निगम का, कहें कि पूर्व में पार्षद का। चलिए सबसे पहले जानते हैं, नाम बताइए आप आपका। शेख शब्बन। शबन जी, ये नालियाँ अव्यवस्थित रूप से बनी हुई हैं, यहाँ से पानी का कोई निकास नहीं है जाके ग्राउंड में बनी कहाँ है? ये तो हम लोगों ने बना ली है पानी निकालने के लिए, निकास के लिए। सब भी आपने ही बनाई हुई? हाँ, हम लोगों ने। क्या वजह रही जो आप लोग बनाने को मजबूर हुए इस तरह की नाली? इसलिए कि यहाँ पे पहले नाली बनने का था, ये रोड निकलने का था, तो उन्होंने ऐसा ढाल बनाया था तो ये नाली ऐसे निकल जाएगी। अब वो क्या हुआ, सामने वाली कॉलोनी है उधर, तो वो अपने कॉलोनी में जाने नहीं देते, उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। तो ये ढाल इस तरफ होना चाहिए जो कि उल्टा ढाल है। उल्टा ढाल है। हाँ। इसकी शिकायत क्या आपने अपने स्थानीय पार्षद से की? हाँ, कई बार की। तो क्या वहाँ से कुछ नहीं कहा? हाँ, होगा 10 साल से सुन रहा है। कैसा रहा है आपके पूर्व में रहे पार्षद का, 5 साल का, जैसे कि हम बात करें वार्ड क्रमांक 78 में जो पार्षद रही हैं? आते ही नहीं है साहब, कभी नहीं आए पार्षद साहब यहाँ। पार्षद कभी नहीं आए यहाँ पे श्रीवोई इलेक्शन के? भोपाल के हर वार्ड में यही समस्या देखने को मिलती है। पार्षद तो बन जाते हैं मगर लोगों की समस्याओं को सुनने नहीं आते। अभी कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए हम उनसे जानते हैं। क्यों खासकर कहा जाता है गृहणियाँ जो रहती हैं उन्हें काफ़ी समस्या थी इस तरह के, क्योंकि उन्हें साथ घर के साथ साथ बच्चों को भी चलाना पड़ता है। वहीं अगर उनके बच्चे इस तरह गंदगी में खेलते हैं तो बच्चे भी काफ़ी हद तक बीमार हो जाते हैं। जिस तरह आप देखते हैं नालियों में गंदगी जो है उससे काफ़ी ज़्यादा बदबू उत्पन्न होती है, तो उस बदबू के चलते चलिए हम गृहणी से बात करते हैं। क्या कहते हैं, नाम बताइए आपका? मेरा नाम अकीला भी है, लिहाजा मुझे ये परेशानी है कि नालियों का पानी नलों में आ रहा है और सारी नालियाँ ब्लॉक पड़ी हुई हैं, इसके कारण हम लोग बहुत बीमार हैं। स्थिति बारिश में हमें बहुत मुश्किल हो जाती है, गंदा पानी मिला हुआ पीना पड़ता है। इसकी शिकायत करते हैं आप लोग अपने स्थानीय पार्षद से? नहीं साहब, अभी आए थे चुनाव के वक्त जब करी थी हमने शिकायत, सब कह के चले आते हैं, करता कोई काम नहीं है। आपने देखा इसके बाद अपने पार्षद को यहाँ पे देखा चुनाव के बाद से? नहीं, चुनाव के बाद से कोई नहीं आता ना कोई जाता, बस चुनाव के टाइम आते हैं सब और भाषण देके अपने अपने चले आते हैं जीत के। कहीं ना कहीं लुभाने आते हैं जनता को, वोट मांगने आते हैं? वोट मांगने आते हैं, वोट के उसके वजह से कह देते हैं कि ये काम आपका हो जाएगा। जब है ना नाली में पानी रुकता है तो हमें नलों के सहारे वो पानी पी के बीमार होते हैं, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, कोई निकास नहीं है। कोई हम की यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह आती हैं साफ सफाई करने? नहीं नहीं, नगर निगम का बस कचरे वाला आता है, वो भी 2-4 दिन का डमा दे के आता है, उसमें भी इतना किचाकिच मचाता है कि ये मत डालो वो मत डालो, लिहाजा हम लोग है ना रोटों पर डालते हैं तो वो गंदगी मचती है और पानी रुकता है नालियों का, तो वही पानी हम लोगों को सबको पीना पड़ता है, उसके वजह से हम बीमार होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं। क्या असर पड़ता है बच्चों पे यहाँ पे खेल रहे हैं? बच्चों पे ये असर होता है कि उनको दस्त उल्टी होते हैंगे, बुखार आता है, तो मच्छर काटते हैं बेहद यहाँ पर, नालियों का कोई निकास नहीं है, बारिश होती है तो नालियों की सफाई के लिए कोई नहीं आता, कोई विभाग का कर्मचारी नहीं आता यहाँ पर नालियों के लिए, हम लोग जितना होता हम लोग ही करते हैं नालियों का। एक समस्या तो वार्डों की आपने ये देखी किस तरह यहाँ पे गंदगी मची हुई है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आए दिन सबसे बड़ा एक जो डिसीजन लिया गया है, उनकी एक विचारधारा जो बनी हुई है भोपाल को स्वच्छ भारत अभियान के तहत नंबर 1 लाना है, वहीं क्या इस तरह का नगर निगम की लापरवाही बरती जाएगी या पार्षदों द्वारा लापरवाही बरती जाएगी, तो क्या हम भोपाल को स्वच्छ भारत अभियान के तहत नंबर 1 ला सकते हैं? अभी कुछ और महिलाएं हमारे साथ में मौजूद हैं, चलिए हम उनसे जानते हैं उन लोगों का क्या कहना है इन गंदी नालियों के बारे में, नगर निगम के बारे में। नाम बताइए आपको? हमारा गुड्डोबी। गुड्डोबी, यहाँ गंदी नालियाँ पड़ी हुई हैं, क्या इसकी शिकायत की है आपने अपने स्थानीय पार्षद से या नगर निगम से? करी थी, जब भी आते हैं जब भी होती है शिकायत, जब से दिखाई नहीं देता कोई भी, भाई आता ही नहीं कोई लौट के यहाँ पे, नहीं आते? नहीं, नहीं, नहीं आते, बस कचरे वाला अलबत आ रहा है और कोई नहीं आ रहा इधर। कचरे वाला क्या रोज आता है? रोज आता है। कहीं ना कहीं देखना होगा नगर निगम को, नए भोपाल के सांसद पुराने भोपाल के नज़र करना होगी किस तरह लोग यहाँ पे पड़तालीस दिन गंदी नाली से गंदगी से। कैमरा पर्सन अमन साहब, मियादुल खान, KKR न्यूज़ भोपाल। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।